दोस्तों भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में विभिन्न अवतार लिए हैं, जिनमें से 10 प्रमुख हैं। आइए जानते हैं। मत्स्य अवतार। यह अवतार विष्णु जी ने राजा सत्यव्रत समेत सभी जीव जंतुओं की एक प्रलय से रक्षा के लिए लिया था। कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को आधार एवं स्थिरता प्रदान करने के लिए श्रीहरि ने यह अवतार लिया था। वृहा अवतार। एक समय राक्षस राज हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जलमग्न कर दिया था, तब विष्णु जी समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर पृथ्वी को बाहर ले आए थे तथा हिरण्याक्ष से युद्ध कर उसका वध कर दिया था। भगवान नरसिंह अवतार। यह अवतार श्रीहरि ने प्रहलाद की रक्षा एवं दुष्ट हिरण्यकश्यप के संहार के लिए लिया था। वामन अवतार। यह अवतार भगवान विष्णु ने राजा बलि से स्वर्ग का राज्य देवताओं को वापस दिलाने के लिए लिया था। परशुराम अवतार। यह अवतार भगवान विष्णु ने अहंकारी एवं अत्याचारी क्षत्रियों के अंत के लिए लिया था। श्रीराम अवतार। श्रीराम का अवतार विष्णु जी ने राक्षस राज रावण के वध एवं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए लिया था। श्री कृष्ण अवतार। श्री हरि के 8वें अवतार थे श्री कृष्ण, जिन्होंने अत्याचारी कंस का अंत किया था तथा महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई थी। बुद्धावतार। आधुनिक मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध को ही बुद्धावतार माना जाता है, परंतु पुराणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि गौतम तथा बुद्ध दोनों भिन्न व्यक्ति थे। कल्कि अवतार। विष्णु जी के 10वें अवतार होंगे भगवान कल्कि, जो कली पुरुष का अंत कर पुनर्सतयुग स्थापित करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।